दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद यहां पे IPL 2023 के लिए मिनी ऑक्शन की शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, 10 टीमें इस बार मिनी ऑक्शन में यहां पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें सभी टीमें प्लेयर्स पे यहां पे बोली लगा रही है। वहीं पे बात की जाए तो यहां पे बड़े बड़े टीमों ने अपने कुछ प्लेयर्स को रिटेंशन भी यहां पे कर लिया है, वहीं पे कुछ प्लेयर्स का रिटेंशन अभी होना बाकी है। वहीं पे बात की जाए तो कुछ टीमों ने यहां पे अपने प्लेयर को रिलीज भी किया, जिसमें बड़े बड़े नाम हमें देखने को मिले हैं। वैसे ही इस बार सबसे महंगा खिलाड़ी IPL 2023 का कौन होने वाला है, ये अभी तक किसी को नहीं पता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पे जो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने यहां पे साइंस ऑफ अफरीदी को लेकर एक बहुत ही बड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा ने यहाँ एक प्लेयर की तरफ इशारा किया और कहा है कि इस IPL में सबसे महंगा प्लेयर ये बिकने वाला है और कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस उस प्लेयर को खरीदने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साइंस ऑफ अफरीदी को लेकर यहाँ पे एक बयान आया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पाकिस्तान के प्लेयर्स को इस IPL 2023 में यहाँ पे लेने की बात चल रही है, जहाँ पे IPL 2023 से पहले यहाँ पे 15 साल पहले 2008 में पाकिस्तान के प्लेयर्स ने IPL में यहाँ पे खेला था। लेकिन उसके बाद राजनीतिक समस्याओं के कारण यहाँ पे पाकिस्तान के प्लेयर्स को BCCI ने बैन लगाया हुआ है खेलने से IPL। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे इस साल ऐसी योजनाएं चल रही है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को, क्योंकि अगले साल वर्ल्ड कप भी होना है, तो उससे पहले यहाँ पाकिस्तान के प्लेयर्स को IPL में लिया जाना चाहिए। सो दोस्तों, यहाँ पे मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने साइंस अफरीदी की तरफ इशारा दिखाते हुए कहा कि वो उन्हें अपने टीम में जरूर शामिल करेंगे। सो दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहना चाहो, क्या साइंस अफरीदी को मुंबई इंडियंस के लिए खेलना चाहिए और क्या वो इस IPL के सबसे महंगे बॉलर होंगे, कमेंट में मैं जरूर बताया। इसी तरह की न्यूज के चैनल के साथ बने रहे, तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आपका दोस्त। धन्यवाद।